भारत बंद के पेश नज़र बिहार झारखंड में बड़े पैमाने पर एहतजाज। राजस्थान के कई शहरों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कई तंजीमों ने शेड्यूल कास्ट और ट्राइब रिजर्वेशन की क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद की कॉल दी है। इसके अलावा बीएसपी और आरजेडी जैसी जमातों ने भी बंद की हिमायत की है। इस बंद के पेश नज़र राजस्थान के 5 अजला जयपुर, भरतपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, डिग में स्कूल बंद है। बिहार के दरभंगा में कई मकामात पर मजाहरे देखे जा रहे हैं। यहां कई मकामात पर आतिशबाजी की भी खबरें आई हैं। झारखंड के गिरिडीह में भी बंद का बड़े पैमाने पर असर हुआ है। सुबह से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारकुनान बंद करने का मुतालबा करने के लिए सड़कों पर निकल आए। गाड़ियों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश में APSRTC ने SC की दर्जाबंदी के खिलाफ SC कम्युनिटी के रहनुमाओं की तरफ से दी गई बंद की कॉल के बाद बढ़ती हुई तहरीकों के खिलाफ एहतियाती इकदाम के तौर पर कई इलाकों में बस खिदमात को रोक दिया है। विजयवाड़ा में सिटी बसें वक्फे से चलती रही। अफसरान ने पंडित नेहरू बस स्टैंड से मुतअद्दिद मकामात पर खिदमात मुअत्तल कर दी है। तेनाली, गुंटूर, रायपली, मछलीपट्टनम, गुडीवाड़ा, अवानी गड्ढा और दीगर को जाने वाले रास्ते खासतौर पर मुतासिर हुए, जिससे मुसाफिरों को काफी तकलीफ हुई। पाकिस्तान से इराक जाने वाली शिया जायरीन की एक बस वस्ती ईरान में गिरकर तबाह हो गई, जिसमें कम से कम 28 अफराद हलाक हो गए। सरकारी जराये के मुताबिक एक मकामी इमरजेंसी अहलकार मोहम्मद अली मलिकजादा ने बताया कि यह हादसा मंगल की रात वस्ती ईरानी सूबे यज्द में पेश आया। उन्होंने मजीद कहा कि हादसे में मजीद 23 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 14 की हालत तश्वीशनाक है। हादसे के वक्त 51 अफराद सवार थे। जायरीन अरबईन मनाने के लिए इराक जा रहे थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बांद्रा ने बॉलीवुड अदाकार राजपाल यादव की करोड़ों रुपयों की जायदाद को जब्त कर लिया। वादे रहे कि राजपाल यादव ने साल 2012 में फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 5 करोड़ रुपयों का कर्ज हासिल किया था, लेकिन यह कर्ज वक्त के साथ 11 करोड़ हो गया, जिसे राजपाल यादव अदा नहीं कर पा रहे थे। जिस पर कार्रवाई करते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बांद्रा की टीम ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में वाकई उनके मकान को कर्ज की जमानत के तौर पर रखा था, उसे जब्त कर लिया, जिसे राजपाल यादव ने मार्बल का बिजनेस करने वालों को किराए पर दे रखा था। उर्दू के सीनियर सहाफी व तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के नायब सदर हबीब अली अलजीनानी का मुख्तसर सी अलालत के बाद इंतकाल हो गया। वो गुज़िश्ता चंद दिनों से बीमार थे। पसमानगार में अहलिया के अलावा एक लड़का और दो लड़कियां शामिल है। हबीब अलजीनानी मशहूर न्यूज सर्विस व उर्दू चैनल INN के ब्यूरो चीफ थे। नमाज जनाजा चारशंबे को बाद नमाज मगरिब जामा मस्जिद बारकस में अदा की जाएगी और तदफीन बड़ा कब्रस्तान बारकस हैदराबाद में अमल में आएगी। सीनियर सहाफी हबीब अलजीलानी के इंतकाल पर तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर MA माजिद, फेडरेशन के दीगर कायदीन सैयद गौस मोहसिन के अलावा INN न्यूज चैनल के चेयरमैन व हैदराबाद कांग्रेस के सदर समीर वलीउल्लाह, न्यूज एंकर व सीनियर जर्नलिस्ट शेख अहमद अली व दीगर सहाफियों ने ताजियत का इजहार किया। रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित और कबायली तंजीमों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है, जिसे कांग्रेस, RJD, बाएं बाजू जमातों समेत कई अपोजिशन पार्टियों की हिमायत हासिल है। इन तंजीमों का मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो कोटे में फैसला सुनाया है, उसे वो वापस ले या इस पर नजरसानी करे। साथ ही SC, ST और OBC के लिए रिजर्वेशन पर नया कानून मंजूर किया जाए। आरक्षण बचाओ समिति ने इस सिलसिले में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दर्ज फेरिस्त कबाइल के आईनी हकूक के खिलाफ वर्जी करता है।